सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस इन अ गिवन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 द टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल ऑफ लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब जो भी है सीरीज एक सीरीज का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर एस और ये पैरेलल का रेजिस्टेंस आर पी। अब सीरीज का आर एस एंड आर पी है तो अगर वायर्स पैरेलल में है अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा वन अपॉन आर पी इक्वल टू वॉट वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर इक्वल रेजिस्टेंस है तो यहां से आरपी कितना आ जाएगा आर बाई टू। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला क्या होता है आर एस वो किसके बराबर होगा सीधा सीधा आर वन प्लस आर टू तो आर प्लस आर ये किसके बराबर हो जाएगा टू आर के बराबर हो जाएगा। अब रेशियो ऑफ हीट क्या होता है एच एस अपॉन एच पी सीरीज अपॉन पैरेलल हीट रेशियो ऑफ सीरीज अपॉन पैरेलल वो कितना होगा वी स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बस डिफरेंस किसका है इसका रेजिस्टेंस का आर एस टाइम भी सेम ही है अपॉन अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी सेम ही है और बस डिफरेंस किसका है रेजिस्टेंस का इनटू टी। तो यहां से अपना आ गया एच एस अपॉन एच पी आ गया आर पी अपॉन आर एस सब्सटीट्यूट कर दो आर पी कितना है आर बाई टू और आर एस कितना है टू बाई टू इज टू आर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से एच एस अपॉन एच पी आ गया कितना वन इज टू फोर रेशियो वन बाई फोर रेशियो कितना हो गया वन इज टू फोर मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।